Hello students and welcome back to the channel once again.

क्लियर सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें उसी के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आती है तो आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करे अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर वहां पर आप मुझसे अपने कोई डाउट पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर जो कि यहाँ पर मैंशन है उसी के साथ साथ इसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी आप वहां से भी जाकर के मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं सो so चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हमारा पहला क्वेश्चन है डीएनए और आरएनए सेगमेंट टैग्ड अ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड क्या कहते हैं उस डीएनए और आरएनए के सेगमेंट को विच क्वेश्चन आप लोगों को जरूर आना चाहिए क्योंकि जो पार्ट वन में मैंने आपको क्वेश्चन कराया था उन के अंदर आपको सेम ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला था सिर्फ उसकी लैंग्वेज चेंज थी दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि क्वेश्चन को आप समझो जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझोगे तब तक आप लोगों को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से सो ऑप्शन नंबर ए आ जाता है वेक्टर ऑप्शन नंबर बी इज प्रो ऑप्शन नंबर सी इज क्लोन एंड ऑप्शन और सेगमेंट जो है these are आर टैग्ड विदियो एक्टिव मॉलिक्यूल जिसे हम कहते हैं प्रोब इनको हम यूज करते हैं इन पर्टिकुलर सेगमेंट्स को हम यूज करते हैं ताकि हम पता लगा सके किसी भी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस की प्रेजेंस okay? Next question Restriction endonucleases are enzymes which option number A make cuts at specific positions within the DNA molecule, option number B recognize a specific nucleotide sequence for binding of DNA ligase, option number C restrict the action of the enzyme DNA polymerase, and option number D remove nucleotides from the ends of the DNA molecule. and the correct option here will be option number a that is saying to make cut at specific position within the dna molecule if you guys remember last jo part 1 hamari video thi usme maine aapko sare basic points bataye the jo bhi maine aapko question solve karwaya hai uske andar maine ye bhi aapko bataya tha that restriction endonuclease keh lijiye या फिर आप restriction enzyme कह लीजिए ये, ये क्या करता है ये DNA के segment को cut करता है specific site पर okay? चलो ये एक सिजर का, का काम करता है आप ये कह सकते हो इनको हम मॉलिक्यूलर सिजर्स भी कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टिरड टैंक बायो रिएक्टर्स हैव बीन डिजाइन फॉर जो स्टिरड टैंक बायो रिएक्टर्स होते हैं उन्हें किसके लिए डिजाइन किया गया है ऑप्शन नंबर ए फॉर द एडिशन ऑफ प्रिजरवेटिव्स टू द प्रोडक्ट ऑप्शन नंबर बी प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट उट एंड ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस ओके सो जो हमारे बायो रियक्टर्स होते हैं वो आप सिलेंड्रिकल भी कह सकते हो कर्व शेप में भी होते हैं और ये ऐसे क्यों होते हैं ताकि फैसिलिटेट कर सके किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के कंटेंट को मिक्स होने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए आपका अगर एक डाउट भी क्लियर होगा तो आप ये सोच सकते हो कि आपने कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन नीट में सही कर दिया है ना क्योंकि जब आपका डाउट क्लियर हो जाएगा तो वो कंसेप्ट क्लियर होगा कंसेप्ट क्लियर होगा तो हो सकता है नीट में अगर वही क्वेश्चन आ गया सिर्फ लैंग्वेज चेंज होती है कंसेप्ट वही रहता है क्वेश्चन वही रहता है सिर्फ लैंग्वेज चेंज होती है ठीक है इसीलिए हर कोई आपसे कहता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर करो और वही मैं आपको यहाँ पर सिर्फ कह नहीं रही हूँ करवा भी रही हूँ पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल मेथड इज यूज फॉर पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल मैथड को हम किसके लिए यूज करते हैं ऑप्शन नंबर ए बायोडीजल प्रोडक्शन ऑप्शन नंबर बी सीडलेस फ्रूट प्रोडक्शन ऑप्शन नंबर सी एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम सीवेज ऑप्शन नंबर डी जीन ट्रांसफर विदाउट अ वेक्टर एंड करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी जीन ट्रांसफर विदाउट अ वेक्टर डायरेक्टली जब जीन ट्रांसफर करते हैं उसका मतलब क्या होता है कि हम एक नेक्ड डीएनए को ट्रांसफर कर रहे हैं किसी प्लांट सेल के अंदर ठीक है बट जो आपकी प्लांट सेल वॉल होती है जो प्लांट सेल वॉल होती है वो एक बैरियर की तरह काम करती है वो इस तरीके से एंटर नहीं होने देन, देना चाहेगी अपने अंदर किसी भी पर्टिकुलर फॉरेन जीन को तो क्या होगा जो प्रोटोप्लास्ट है वो उसको यहां पर टारगेट किया जाता है फॉर द डायरेक्ट जीन ट्रांसफर ओके नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज इन ट्रांसफर ऑफ फॉरन डी एन ए इन टू क्रॉप प्लांट्स ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी एग्रोबैक्टीरियम नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर बी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमी फेशियर है ना ये किसका पॉजिटिव एजेंट है किसी को पता है एनसीआरटी में इट इज अजिटिव एजेंट ऑफ क्राउन गॉल डिजीज ठीक है चलो द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन विद द विद्लाज वेक्टर बिकेम पॉसिबल विद हम एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन को प्लाज्मिट वेक्टर के साथ लिंक किसकी वजह से कर पाते हैं ऑप्शन नंबर ए डीएनए लाइगेस ऑप्शन नंबर बी एंडोन्यूक्लियस ऑप्शन नंबर सी डीएनए पॉलीमरेज़ ये ऑप्शन नंबर डी एक्सोन्यूक्लिएज एंड द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर ए डीएनए लाइगेज डीएनए लाइगेज का काम ही होता है ग्लू का काम करता है जॉइन करता है ये ठीक है एंडोन्यूक्लिएज मतलब ये मिड से मिड पार्ट से मिड पार्ट से कट करता है न्यूक्लिक एसिड को डीएनए को डीएनए पॉलीमरेज जो रिएक्शन को शुरू करवाएंगे ट्रांसक्रिप्शन को एक्सोन्यूक्लिएज यानी कि जो साइड से कट करते हैं ठीक है सेंटर से कट नहीं करते बाहर से कट करेंगे इसीलिए एक्सो नाम है इनका चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जेल इज फॉर जेल इलेक्ट्रोफोरिस को हम किसके लिए यूज करते हैं फॉर कटिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स फॉर सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डी एन ए बाई ज्वाइनिंग विद क्लोनिंग वेक्टर्स एंड ऑप्शन नंबर डी आइसोलेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी फॉर द सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट अकॉर्डिंग टू देर साइज मैंने बताया था ना जिनका बड़ा साइज होता है वो आगे यानी कि उसी पॉइंट पर रह जाते हैं थोड़ा ही आगे बढ़ पाते हैं लेकिन जिनका छोटा साइज होता है वो ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं ठीक है तो साइज पर डिपेंड करता है इससे सेपरेट हो जाते हैं डीएनए के फ्रेगमेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं वट इज एंटी सेंस टेक्नोलॉजी एंटीसेंस टेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हैं वट डाज इट मीन ऑप्शन नंबर ए A cell displaying a foreign antigen used for synthesis of antigens. Option number B production of somoclonal variants in tissue cultures. Option number C when a piece of RNA that is complementary in sequence is used to stop expression of a specific gene. And option number D RNA polymerase producing DNA. And the correct option here will be. ऑप्शन नंबर सी जब एक पीस ऑफ आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री होता है सीक्वेंस में ठीक है उसको यूज किया जाता है उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक जीन के एक्सप्रेशन को स्टॉप करने के लिए स्टॉप करने के लिए जो हमें नहीं चाहिए इसीलिए कहते हैं एंटीसेंस टेक्नोलॉजी नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29th क्वेश्चन क्रोमोसोम्स इन अ बैक्टीरियल सेल कैन बी 1 2 3 इन नंबर And option number A can be circular as well as linear within the same cell. Option number B they are always circular. Option number C they are always linear. Option number D can be either circular or linear but never both within the same cell. And the correct option here will be option number. जो exactly. होते हैं देखो की की बात की है की की बात बात यानी कि किसकी कर कर दी prokaryotes की बात कर दी इन्होंने और प्रोकैरियोट्स के अंदर आपको हमेशा सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर सर्कुलर जो क्रोमोजोम है वही देखने को मिलेगा सो दे विल बी ऑलवेज सर्कुलर इन बैक्टीरिया प्लाज्मेड इज बैक्टीरिया में प्लाजमिट कैसा होता है ऑप्शन नंबर ए इट इज अ अ एक्स्ट्रा मटेरियल ऑप्शन नंबर बी इट इज़ मेन डीएनए ऑप्शन नंबर सी इट इज अ नॉन फंक्शनल डीएनए या ऑप्शन नंबर डी रिपीटेटिव जीन बहुत इजी क्वेश्चन है ये वन वर्ड आंसर एक तरीके से आपको देखते ही आंसर पता होना चाहिए इसका ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मिट जो होता है ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मेटीरियल होता है ठीक है मटेरियल के अलावा डीएनए के अलावा ये एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल होता है थर्टी फर्स्ट क्वेश्चन इंट्रोडक्शन ऑफ फूड प्लांट्स डेवलप्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज नॉट डिजायरेबल बिकॉज एंड द करेक्ट ऑप्शन विल बी जल्दी से आप ऑप्शन पढ़ो क्या होगा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी दैट देयर इज डेंजर ऑफ एंट्री ऑफ वायरसेस एंड टॉक्सिन विद इंट्रोड्यूस्ड क्रॉप ऑब्वियसली हम फूड प्लांट्स के अंदर इनको डेवलप किया जा रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू तो उसका मेन एक पर्टिकुलर कंडीशन जो ऐसी है जो कि मतलब हमारे लिए डिजायरेबल नहीं है वो क्या है दैट यहाँ पर क्योंकि वायरस का यूज हो रहा है टॉक्सिन का यूज हो रहा है तो उनका इंट्रोड्यूस हो तो होना उनका इंट्रोड्यूस होना उन पर्टिकुलर क्रॉप्स में इसका रिस्क बढ़ जाता है ठीक है टू बैक्टीरिया फाउंड टू बी वेरी यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट्स आर इसके एंड एग्रोबैक्टीरियम नाइट्रोबैक्टर एंड एजोटोबैक्टर राइजोबियम एंड डिप्लोकोकस एंडोनास एंड बिल्कुल हमने पूरे के पूरे बायोटेक के अंदर दो नाम सबसे ज्यादा सुने हैं वो क्या है इसके रेशिया यानी कि इकोलाय वाला पार्ट और एग्रोबैक्टीरियम एग्रोबैक्टीरियम का भी आपने सुना था है ना तो ये दो ऐसे पर्टिकुलर बैक्टीरियाज हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा यूजफुल दिखे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के एक्सपेरिमेंट्स में द द्लाज्मेट प्रेजेंट इन दैक्टीरियल सेल्स आर प्लाज्मेट जो कि बैक्टीरियल सेल्स में प्रेजेंट होता है इट इज ऑप्शन नंबर ए सर्कुलर डबल हेलिकल डीएनए मॉलिक्यूल्स ऑप्शन नंबर बी सर्कुलर डबल हेलिकल आर एन ए मॉलिक्यूल्स ऑप्शन नंबर सी लीनियर डबल हेलिकल डीएनए मॉलिक्यूल्स या ऑप्शन नंबर डी डबल हेलिकल आर एन ए मॉलिक्यूल एंड दिन विल बी ऑप्शन नंबर ए सर्कुलर डबल हेलिकल डीएनए मॉलिक्यूल ठीक है बहुत सिंपल है क्योंकि प्लाज्मिट एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटीरियल होते हैं राइट right? है ना चलो और डीएनए के होते हैं इसलिए डीएनए को आपको जरूर यहां पर याद रखना है और प्लाज्मिट किस में प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में और मैंने पहले ही बताया था बैक्टीरिया में कैसे होते हैं डीएनए सर्कुलर तो आपका ये वाला ऑप्शन सही होगा चलो तो आई होप आप लोगों को ये जो हमारा टॉपिक वन था कि क्या क्या हम टूल्स यूज करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएन टेक्नोलॉजी में क्या प्रिंसिपल हैं ये आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से कितने क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं अब हम आएंगे टॉपिक नंबर सेकंड पर प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अब तक हम

अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड द करेक्ट ऑप्शन हेयर विल बी ऑप्शन नंबर ए डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग काफी सारी अलग-अलग स्टेजेस -अलग आती हैं प्रोसेसिंग की जो कि किसी भी फर्मेंटेशन के कंप्लीट होने पर आपको देखने को मिलती हैं जिसके अंदर एक पार्ट ये भी आता है जब हम सेपरेट करते हैं प्यूरीफाई करते हैं प्रोडक्ट को जिसे हम कहते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विट्रो क्लोनल प्रोपेगेशन इन प्लांट्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑप्शन नंबर ए पीसीआर एंड आरईपीडी ऑप्शन नंबर बी नॉर्दर्न ब्लोटिंग ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड एचपीएलसी एंड ऑप्शन नंबर डी माइक्रोस्कोपी एंड द करेक्ट ऑप्शन हेयर विल बी पीसीआर एंड आरईपीडी बेसिकली क्या है आज के टाइम पर पीसीआर और आरईपीडी टेक्निक जो है उसको यूज किया जाता है किस लिए

and the correct option here will be option number b which is saying bac and yac what does bac and yac means bac is bacterial artificial chromosome and yac is yeast artificial chromosome dna fragments generated by the restriction endonucleases in a chemical reaction can be separated by बहुत सिंपल आंसर है हम इतनी देर से इस पर्टिकुलर कांसेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते आए हैं कि अब तो आपके माइंड में ये कांसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए और किस तरह से इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आप यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करने से सीख रहे हो है ना तो ऑप्शन नंबर ए है पीसीआर ऑप्शन नंबर बी इज इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑप्शन नंबर सी इज रिस्ट्रिक्शन मैपिंग एंड ऑप्शन नंबर डी इज सेंट्रीफ्यूगेशन and the correct option here will be option number b electrophoresis right Chalo. next question pcr and restriction fragment length polymorphism are the methods of polymorphism are the methods for sorry option number a study of enzyme option number b genetic transformation option number c dna sequencing and option number d genetic fingerprinting

द नेम ऑफ दिस डीएनए जिसको हमने थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट किया था और ये बैक्टीरिया थर्मोफिलिक बैक्टीरिया कहां पर रहते हैं कहां पर स्टेबल रह पाते हैं हाई टेम्परेचर में भी रह लेते हैं ठीक है क्लियर तो इसीलिए इसको इस थर्मोस्टेबल एंजाइम को यूज किया जाता है पीसीआर में ड्यूरिंग द ड्यूरिंग द डी नेचुरेशन क्लियर आपको पता है ना पीसीआर के स्टेप्स डी नेचुरेशन एन ऑल चलो next question for transformation microparticles coated with dna to be bombarded with gene gun are made up of simple hai. composition batani these are made up of silver or platinum platinum or zinc silicon or platinum or option number d gold or tungsten and the correct option here will be option number d gold or tungsten जो टंगस्टन एंड गोल्ड होते हैं ना दीज आर कोटेड विद फॉरेन डीएनए और फिर इनको हमारा जो भी हमारा टारगेटेड सेल है उसके अंदर बहुत हाई वेलोसिटी के साथ क्या किया किया जाता जाता है है शूट इसीलिए कहते हैं जीन गन, गन, जीन गन गन ओके बायोलिस्टिक यानी कि अब को ना आपने सिंपल लैंग्वेज में जीन गन कह लिया लेकिन जो अब भाई बड़े लोग हैं जो साइंटिस्ट लोग हैं वो लोग क्या कहेंगे इसको बायोलिस्टिक बायोलिस्टिक किसके लिए सूटेबल है वाई इट इज सूटेबल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग

इस तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम एंटीबायोटिक्स को यूज करते हैं ऑप्शन नंबर ए एज सिलेक्टेबल मार्कर्स ऑप्शन नंबर बी टू सिलेक्ट हेल्दी वेक्टर्स ऑप्शन नंबर सी टू कीप द कल्चर्स फ्री ऑफ इन्फेक्शन एंड ऑप्शन नंबर डी एज सीक्वेंसेज फ्रॉम वेयर रेप्लीकेशन स्टार्ट्स एंड द करेक्ट ऑप्शन हेयर विल बी ऑप्शन नंबर ए एज सिलेक्टेबल मार्कर्स राइट right? जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ये बहुत पावरफुल मेडिसिन होती हैं जो कि बैक्टीरियल इंफेक्शन के अगेंस्ट फाइट कर सकती हैं या तो ये किल कर देंगी बैक्टीरिया को देंगे या फिर उन्हें रिप्रोड्यूस नहीं करने देंगी उनको उनका नंबर नहीं बढ़ाने देंगी राइट right? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं एज अ सिलेक्टेबल मार्कर यानी कि जिसको हमें नहीं बढ़वाना जिसको हमें जिसकी ग्रोथ नहीं चाहिए तो उसे हम सेपरेट कर देते हैं एक ट्रांसफॉर्मेंट हो जाता है एक नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हो जाता है ये हम थ्योरी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं है ना तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन पसंद न होंगे ये क्वेश्चंस यहाँ पर एंड होते हैं आपका जो भी स्कोर हो प्लीज मुझे जरूर बताना इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को कितना समझ में आया कहीं पर कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं नेक्स्ट चैप्टर में कौन सा आपके लिए लेकर के उसका भी सजेशन आप मुझे दे सकते हो या फिर आपको किसी और सॉरी सब्जेक्ट में आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो बनवानी है किसी और uh, तरह से आपको गाइडेंस चाहिए तो आप मुझसे वो भी पूछ सकते हो सो so जो भी डाउट है आप मुझसे बहुत फ्रीली बहुत आराम से पूछ सकते हो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो

मतलब एक क्वेश्चन कंप्लीटली एक्सप्लेन मिलता है विद इन वन मिनट आप अपना एक क्वेश्चन खत्म कर देते हो इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज उन वीडियोस को भी जरूर देखना विद दैट्स इट थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे बाय